बहन भाइयों, मेरे बच्चे और बच्चियों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी गोश्त। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये देखिए गोभी मैंने काट के रख ली। इसमें थोड़े से आलू डालूंगी और थोड़ा सा गोश्त। ये प्याज, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, वही नमक मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ लहसुन लिया है, वो गोभी में अच्छा लगता है। चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब इसमें डालते हैं घी, देखिए अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जरा हल्के से सोते हो जाएंगे तो फिर इसमें काफी मसाले डालेंगे। प्याज भी हल्के हल्के होते रहेंगे, इसमें डाल देती हूँ टमाटर, ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से टमाटर के बीच में भून जाएं। इसको 2 मिनट के लिए भून के ऊपर से ढक लेती हूँ, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और मसाला या जान बनेगा। देखिए प्याज और टमाटर हमारे तरीके हो गए, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हरा लहसुन मैंने काट के रखा है वो भी इसमें डाल देती हूँ। इसकी बुनाई करके बाकी मसाले, ये देखिए इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। अब ये भूंगा जिसमें डालेंगे ये बाकी मसाले, भी नमक मिर्च हैं, सफेद जीरा और हल्दी, किलो गोभी थी, आधा किलो मैंने इसमें गोश्त डाला। उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। गोभी में अगर आपने काट के रख ली, मैंने धो के काट के रख ली है, और इसमें साबुत जो अदरक होती है लंबी लंबी काट के अगर डाल के दम में डाल देंगे तो उसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। कभी आप डाल के बनाइएगा ऐसे, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए गोश्त हमारा फ्राई हो गया है। अब आप मसाला भी देख लें आप क्या क्या अच्छे तरीके से बन गया है। इसमें हरा लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए ये हरी हरी काँचें इसकी बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसमें हम डाल देते हैं, मेरे बच्चे जो कि आलू शौक से खाते हैं, मैंने एक आलू इसमें डाला है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। देखिए अब गोभी इसमें डाल देते हैं, मैंने काट के बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई थी। गोभी में चूँकि कुछ पानी होता है तो इसमें बहुत ही कम पानी डाल के हम इसको दम पे लगा देंगे, दम में ही ये बन जाएगी। बिल्कुल इसको हमने जलाना नहीं है, बताया खड़ी खड़ी रहे। देखिए इसमें साबुत मैंने अदरक भी डाली है काटें काट के, इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से दाम पर लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए।
ये देखिए हमारी गोभी बन के तैयार हो गई है, मतलब अच्छे तरीके से गल गई है। आलू भी गोश भी, ये देखिए देखिए इस तरह से अच्छा है। आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्रिएटिव मैम, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसे मेरी रेसिपी आपको कैसे लग रही है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।